इस कहानी की शुरुआत में हमें 7 साल के एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम टीम था, जो कि जंगल में एक गोरिल्ला से लड़ रहा होता है। मगर असलियत में ऐसा कुछ नहीं था, ये सब टीम सोच रहा था और वो हमेशा अपने सपनों में खोया रहता था। टीम के मॉम डैड उससे बहुत प्यार करते थे क्योंकि टीम के अलावा उनका और कोई बेबी नहीं था। उनका पूरा ध्यान हमेशा टीम के ऊपर ही रहता था। इन सब से टीम काफी खुश था। टीम के मॉम डैड दुनिया की सबसे बड़ी पेट कंपनी पपी कॉर्पोरेशन में काम करते थे। उनका काम नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना था, जिसकी वजह से वो बहुत बिजी रहते थे, मगर फिर भी वो टीम के लिए टाइम निकाल लेते थे। टीम अपने मॉम डैड से 3 कहानियां और अपनी फेवरेट लोरी सुनाने को कहता है। उसके पेरेंट्स उसकी किसी भी बात को नहीं टालते थे और उसे उसकी पसंद की कहानियां और लोरी सुनाते हैं। टीम के डैड उसे पूछते हैं कि कैसा रहेगा अगर तुम्हारे भी एक छोटा भाई हो, मगर वो बेबी के लिए मना करता हुआ कहता है कि मैं अकेला ही खुश हूँ। वहीं हम बेबी कॉर्प को देखते हैं, जहाँ बेबी को बनाया जाता है, जहाँ एक बेबी की हरकतें बाकी बेबी से अलग होती है। जब उसे फैमिली के पास भेजने के लिए लास्ट बार चेक करने के लिए उसे गुदगुदाते हैं तो बाकी बच्चों की तरह नहीं हंसता, इसीलिए उसे फैमिली के पास ना भेजकर बेबी कॉर्प मैनेजमेंट के लिए सेलेक्ट कर लिया जाता है, जिसका नाम बॉस बेबी होता है, जो कि दिखने में बेबी था मगर उसका दिमाग एक बड़े बिजनेसमैन की तरह होता है। और वो बेबी कॉर्प में जॉब करता है जहाँ उसके जैसे कई सारे बेबी काम करते थे। अगले दिन टीम उठकर अपने कमरे की विंडो से बाहर देखता है। वो हमेशा की तरह अपने ख्यालों में खोया रहता है, मगर तभी उसे एक टैक्सी दिखाई देती है जिसमें से एक छोटा बेबी उतरता है जो कि दिखने में एक बॉस की तरह था। वो टीम के घर आता है, उसे देखकर टीम दौड़कर नीचे आता है। टीम के मॉम डैड उसे बताते हैं कि बेबी तुम्हारा छोटा भाई है। टीम इस बात से काफी हैरान होता है क्योंकि एक बेबी अकेला टैक्सी में कैसे आ सकता है और उसने सूट भी पहना था। ये बेबी और कोई नहीं बल्कि बॉस बेबी था। बॉस बेबी ने आते ही रोना शुरू कर दिया था, जिसे चुप कराने के लिए टीम के मॉम डैड काफी कोशिश करते हैं, मगर वो चुप नहीं रहता। धीरे धीरे बेबी ने पूरे घर पर अपना कब्जा कर लिया था और रात को भी रोकर सभी को परेशान करता था, जिसकी वजह से कोई भी ठीक से सो नहीं पाता। बॉस बेबी के खिलौने से पूरा घर भर गया था, यहाँ तक कि टीम के सामान को भी रखने की भी जगह नहीं थी। वहीं टीम और बेबी साथ बैठकर खाना खाते हैं, मगर टीम के मॉम डैड बस बेबी को खाना खिलाते हैं। ये देखकर टीम कहता है कि मुझे आप लोगों से बेबी के बारे में जरूरी बात करनी है। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि बेबी थोड़ा अजीब है? ये एक सूट पहनता है और इसके पास एक ब्रीफकेस भी है और हम इसे जानते भी नहीं है। ये सब सुनकर बेबी गुस्सा होता है और डाइनिंग टेबल का पर्दा जोर से खींचता है, जिसकी वजह से टीम के मुंह पर सब्जी लग जाती है। टीम के डैड उसे कहते हैं कि तुम भी अपने खिलौने लेम लेम को साथ लेकर कई दिनों तक घूमते थे और ये तुम्हारा भाई है जिसे एक दिन तुम हमारी तरह प्यार करोगे, और वहाँ से चले जाते हैं। वहीं टीम सोने लगता है और लोरी सुनाने के लिए अपने मॉम डैड को बुलाता है, मगर वो नहीं आते। इस वजह से टीम कमरे से बाहर अपने मॉम डैड के पास जाता है, लेकिन वो दोनों सो रहे थे। तभी टीम को कॉल रिंग सुनाई देती है। जब वो कॉल उठाता है तो उसे पता चलता है कि कॉल की आवाज बॉस बेबी के रूम से आ रही है। वो जब देखने के लिए जाता है तो देखता है कि बेबी बॉस कॉल पर किसी मिशन के बारे में बात कर रहा था। टीम बेबी से कहता है कि तुम पकड़े गए। बेबी नॉर्मल बेबी होने का नाटक करता है। टीम उसे कहता है कि मुझे पता है तुम बोल सकते हो। बॉस बेबी टीम को पैसे देकर खाने के लिए कुछ लाने को कहता है। डायपर बॉक्स में छुपी तिजोरी में से मिल्क की बोतल निकाल कर पीने लगता है और टीम से कहता है कि मैं बॉस हूँ। टीम कहता है कि तुम मेरे बॉस नहीं हो, मैं यहाँ तुमसे पहले से रह रहा हूँ और मैं मॉम डैड को तुम्हारे बारे में सब कुछ सच सच बता दूंगा। बॉस बेबी कहता है कि तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, और एक फाइल में देखकर टीम के बारे में सब कुछ बताता है कि तुम बिना ट्रेनिंग व्हील के साइकिल नहीं चला पाते और तुम्हारा मिडल नेम लेजली है। और टीम के फेवरेट खिलौने लेम को दिखाकर उसे कहता है कि इसकी तरह तुम भी अब पुराने हो गए हो, इसीलिए मैं आया हूँ। और टीम को समझाता है कि जब मैं नहीं था तब मॉम डैड का ध्यान सिर्फ तुम पर ही था, फिर मैं आ गया और उनका पूरा प्यार मुझे मिलने लगा। टीम कहता है कि हम प्यार को आधा आधा बांट सकते हैं। बेबी कहता है कि प्यार ज्यादा नहीं है इसीलिए हम इसे बांट नहीं सकते, और तुम चुप रहो और मुझे मेरा काम करने दो, वरना तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं रहेगी। अगले दिन सुबह अलार्म बजता है, जिसका नाम विजी था। वो टीम से कहता है कि बॉस बेबी ने तुम्हें उदास कर दिया, मैं उसके ऊपर ऐसा मंत्र फूकूंगा कि वो यहाँ नहीं आ सकता। टीम कहता है कि
उसे कुछ नहीं होगा क्योंकि उसने मॉम डैड का सारा ध्यान अपनी तरफ कर लिया है। अगर उसका सच मॉम डैड को पता चल गया तो उसे यहाँ कभी नहीं रहने देंगे। तभी टीम को एक आइडिया आता है कि अगर वो बॉस बेबी के अगेंस्ट प्रूफ इकट्ठा कर ले तो उसके मॉम डैड उसकी बात मान लेंगे और वो पूरी तरह से तैयार होकर बॉस बेबी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने जाता है। तभी उसका पैर बॉस बेबी के टॉय पर लगता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और वो बहुत सारे बेबी को देखता है जिन्हें देखकर वो डर जाता है। उसकी मॉम उसे कहती है कि ये सब तो बॉस बेबी के साथ खेलने आए हैं। बेबी टीम को बताता है कि हमारी यहाँ एक मीटिंग है और तुम यहाँ नहीं रह सकते और वो सभी बच्चों के साथ वहाँ से चला जाता है। वहीं टीम भी सभी बेबीज के पीछे उनकी बात को रिकॉर्ड करने के लिए जाता है। बॉस बेबी को पता चल जाता है कि टीम उनकी बात सुन रहा है, इसीलिए बिग बॉस बेबी को एक टॉय देकर उसे बजाने के लिए कहता है ताकि टीम उनकी बात ना सुन सके। बॉस बेबी सभी को बताता है कि सभी बेबी एक बड़ी मुसीबत में है जिसकी वजह पपीज है, क्योंकि इनकी वजह से हमें उतना प्यार नहीं मिल पा रहा जितना पहले हमें मिलता था। मगर जब मार्केट में पपीज की अलग अलग नस्लें आई है तब से हमें कोई प्यार नहीं करता। और वो उनके कुछ डॉग्स की पिक्चर दिखाता है और बताता है कि फ्रांसिंग पपीगो के सीईओ ने यह अनाउंसमेंट की है कि वो लॉस वेगास के पेट कन्वेंशन में अब तक के सबसे प्यारे पपी को लॉन्च करेंगे और अगर ये पपी वाकई इतना प्यारा हुआ तो कोई भी बेबी से प्यार नहीं करेगा। इसीलिए मेरा काम ये पता लगाना है कि आखिर ये पपी कैसा है ताकि बेबी को इसे रोक सके, और इस काम में तुम सब मेरी मदद करोगे। और सभी से पूछता है कि तुम सबके मॉम डैड पपी को में काम करते हैं तो तुमने नए पपी के बारे में उनसे कुछ पता किया? मगर किसी भी बेबी को नए पपी के बारे में कुछ पता नहीं था, इसीलिए बॉस बेबी अपनी टीम पर काफी गुस्सा होता है और बिग बॉस बेबी से वो खिलौना लेकर फेंक देता है जिसके शोर की वजह से टीम उनकी बात नहीं सुन पा रहा था। मगर तभी टीम को मौका मिल जाता है और वो उनकी सभी बातें रिकॉर्ड कर लेता है। सभी बेबीज के पास उनके मॉम डैड आ जाते हैं जिन्हें देखकर वो खेलने का नाटक करते हैं। वही टीम जब बॉस बेबी की बातें रिकॉर्ड कर लेता है तो अपने मॉम डैड को सुनाने के लिए जाता है, मगर तभी बॉस बेबी और उसके साथी टीम को रिकॉर्डिंग टेप देने के लिए कहते हैं, मगर वो ऐसा नहीं करता और वहाँ से भागकर अपने मॉम के पास जाने लगता है। बॉस अपने साथियों के साथ अपने टॉय कार्स लेकर पहुंच जाता है और टीम को रोकने की कोशिश करता है, मगर उन्हें चकमा देकर वहाँ से भागने लगता है। टीम के मॉम डैड ये सब देखकर सोचते हैं कि बच्चों में दोस्ती हो गई है और अच्छे से खेल रहे हैं। वहीं बॉस बेबी टीम से टेप ले लेता है और अपने साथियों से टीम को पकड़ने के लिए कहता है, मगर टीम एक रस्सी की मदद से पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और बेबी को टॉय गन से मारने की कोशिश करता है। मगर बिग बॉस बेबी बीच में आकर बॉस बेबी को बचा लेता है। बेबी के हाथ से टेप गिर जाती है जिसे टीम लेकर भाग जाता है और जंपिंग पेड़ की मदद से सीधे अपने कमरे के अंदर चला जाता है। टीम को पकड़ने के लिए बिग बेबी बॉस बेबी को उठाकर घर के अंदर फेंक देता है। तभी टीम और बाकी बच्चों के मॉम डैड बच्चों को इस तरह देखकर सोचते हैं कि ने क्या हुआ और वो बॉस बेबी के पास जाते हैं। वही टीम घर के अंदर अपने मॉम डैड को ढूंढता हुआ उनके रूम में जाता है, मगर वहाँ बॉस बेबी होता है और वो टीम से कहता है कि अगर तुमने मुझे वो रिकॉर्डिंग टेप नहीं दी तो मैं तुम्हारी लेम को तोड़ दूंगा, और वो उसके ऊपर पिच लगाने लगता है। टीम उससे लेम को छुड़ाने की कोशिश करता है और दोनों से खींचने लगते हैं जिसकी वजह से वो बीच में से टूट जाती है। गुस्सा होकर टीम बॉस बेबी को झूले में बिठाकर घर से बाहर फेंकने वाला था, मगर तभी उसके मॉम डैड आ जाते हैं। उन्हें देखकर टीम डर जाता है। टेप भी विंडो से निकलकर सड़क पर गिर जाती है जिसके ऊपर एक कार चढ़ गई थी और वो टूट जाती है। टीम के डैड उसे कहते हैं कि तुम बेबी के साथ क्या करने वाले थे, तो वो कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, बेबी बात कर सकता है और अपनी मीटिंग में सभी बेबीज मिलकर पपी कंपनी के खिलाफ कोई बड़ी साजिश कर रहे थे। टीम के मॉम डैड उसकी बात नहीं मानते और कहते हैं कि हम तुमसे नाराज हैं, आज से तुम बाहर नहीं जाओगे जब तक कि तुम और बेबी अच्छे दोस्त नहीं बन जाते। टीम फिर से अपने ख्यालों की दुनिया में खो जाता है और उसे अपना एक घर जेल लगने लगता है जिसमें वो सजा काट रहा था। जब उसके मॉम डैड बेबी को टीम की फेवरेट लोरी सुनाते हैं जिसे सुनकर टीम रोने लगता है। ये देखकर वीजी उसे लोरी सुनाने लगता है। टीम उसे कहता है कि आपने जो लोरी सुनाई उसमें मॉम वाली बात नहीं है। तभी उसके पास बॉस बेबी आता है। वो टीम से कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। टीम उसे जाने के लिए कहता है। तभी बेबी लोरी गाने लगता है जिसे सुनकर टीम उसे कहता है कि ये लोरी मेरी है और मॉम डैड ने मेरे लिए लिखी थी, तुम उन्हें मुझसे अलग करना चाहते हो। बेबी कहता है
कि हमें हमारा झगड़ा खत्म कर देना चाहिए और टीम के पास जाकर भेंट जाता है और उसे पैसे देता है। टीम पैसे लेने से मना कर देता है और कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। बेबी कहता है कि मैं आम बेबी नहीं हूँ, मुझे ऊपर वाले ने एक मिशन पर भेजा है। टीम उससे पूछता है कि क्या तुम बेबी जीसस हो। बेबी बताता है कि मैं बेबी कॉप कंपनी के मैनेजमेंट का आदमी हूँ और उससे चूसनी देता है और उसे कहता है कि अगर तुम जानना चाहते हो कि बेबी कहाँ से आते हैं तो तुम्हें इसे चूसना होगा। ये सुनकर बेबी के साथ टीम चूसनी को चूसने लगता है और बेबी कॉप में पहुंच जाते हैं जहाँ बहुत सारे बेबी होते हैं, पर बॉस बेबी और टीम को कोई नहीं देख सकता। टीम कहता है कि अगर सभी बेबी यहाँ से आते हैं तो मुझे जगह याद क्यों नहीं है। बेबी बताता है कि तुम्हें जगह याद थी, पर जब नॉर्मल बेबी से उनकी चूसनी ले ली जाती है तो बेबी कॉप के बारे में भूल जाते हैं और हमसे कुछ बेस्ट बेबीज को यहाँ के मैनेजमेंट में काम दिया जाता है और उसे बेबी कॉप का ऑफिस बताता है। टीम कहता है कि अगर तुम बड़े हो गए तो फिर क्या होगा। बॉस बताता है कि हम कभी बड़े नहीं होंगे क्योंकि हम सुपर सीक्रेट बेबी फॉर्मूला पीते हैं जो हमेशा हमें बेबी बनाए रखेगा। और वो उसे एक पाई चार्ट बताता है जिसमें दिखाया जाता है कि कौन किसे कितना पसंद करता है और उसमें पपीज का हिस्सा दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। अगर इसे चलता रहा तो बेबी के लिए कोई पाई नहीं बचेगा। वही टीम के डैड जब उसके कमरे में आते हैं तो दोनों को चूसनी चूसता देख वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। वहीं बॉस बेबी बताता है कि मेरा मिशन नए पपी के बारे में पता लगाना है और जैसे ही मैं कामयाब हो जाऊंगा तो बेबी कॉर्प की एक कामयाब हस्ती बनूंगा। और वो वहाँ लगी कुछ बॉस बेबी की तस्वीरें बताता है जिसमें वो टीम को सुपर कोलोसल बिग फेट बॉस बेबी की तस्वीर दिखाता है जो कि बेबी कॉर्प की हिस्ट्री के सबसे छोटे चीफ एग्जीक्यूटिव थे जो कि सालों पहले रिटायर हो गए। मैं इनके जैसा बनने की कोशिश कर रहा हूँ और अगर मैं इस मिशन में कामयाब हुआ तो दीवार पर मेरी तस्वीर लगेगी और मुझे प्रमोशन मिलेगा और कोने वाले ऑफिस के साथ प्राइवेट प्रॉपर्टी भी मिलेगी। तभी बॉस बेबी की बॉस अपनी टीम से बॉस बेबी के बारे में पूछती है मगर उन्हें उसके बारे में कुछ पता नहीं होता और वो सभी को नौकरी से निकाल देती है और अपनी न्यू टीम से कहती है कि पेड कन्वेंशन होने में बस 2 दिन बचे हैं और अगर बॉस बेबी ने अपना काम नहीं किया तो उसकी भी नौकरी गई। ये सुनकर बेबी टीम के मुंह से चूसनी निकाल लेता है। तभी उसे कॉल आता है मगर वो कॉल नहीं उठाता और उसे डस्टबिन में फेंक देता है और वो एक टॉय को हाथ में लेकर इधर उधर घूमता है और टीम से कहता है कि अगर मैंने नए पपी के बारे में जल्दी पता नहीं लगाया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। टीम कहता है कि वहाँ बेबी के लिए और काम होंगे और 2 दिन तो जल्दी निकल जाएंगे, इसीलिए तुम अपनी पैकिंग पूरी कर लो। बेबी उसे टॉय फेंक कर मारता है और उसे कहता है कि अगर मेरी नौकरी गई तो मुझसे मेरा फॉर्मूला ले लेंगे और मैं नॉर्मल बेबी बन जाऊंगा और हमेशा के लिए तुम्हारे साथ यही रहूंगा और हर जगह में तुम्हारे साथ रहूंगा क्योंकि हम दोनों फिर भाई भाई होंगे। टीम कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा, हमें तुम्हारी नौकरी बचानी होगी। और दोनों एक डील करते हैं जिसमें टीम बेबी की नौकरी बचाने में मदद करेगा और बेबी हमेशा के लिए चला जाएगा। वहीं टीम अपने मॉम डैड की फाइल्स में नए पपी की फाइल को ढूंढने लगते हैं मगर उन्हें वो फाइल नहीं मिलती। टीम कहता है कि अगर हमें फाइल मिल गई तो हम बेबी निंजा को वहाँ भेजेंगे। बेबी कहता है कि मैं एक मेमो लिखूंगा मगर टीम को पता नहीं होता कि मेमो क्या होता है। तो बेबी उसे बताता है कि मेमो में हम लिखकर लोगों को जानकारी देते हैं, मेमो बहुत खास होते हैं, ये लोगों को जोड़ने की ताकत रखता है। मगर टीम को बेबी का आइडिया पसंद नहीं आता। तभी टीम को एक पेपर मिलता है जिसमें बच्चों को ऑफिस ले जाने के दिन के बारे में लिखा होता है। टीम बेबी को बताता है कि हम इसकी मदद से पपीगो के अंदर जाएंगे और नए पपी के बारे में पता लगाएंगे। बेबी कहता है कि हम वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि तुम घर में बंद हो और मॉम डैड हमें कहीं नहीं ले जाएंगे। टीम कहता है कि अगर हमें मॉम डैड को भरोसा दिलाना होगा कि हम दोनों भाई भाई हैं और हम दोनों एक दूसरे से लव करते हैं। अगले दिन टीम बेबी को खाना खिलाने की एक्टिंग करता है और उसे तैयार करता है और वो उसके पैर में गुदगुदी करता है और रात में उसे कहानी सुनाता है। ये देखकर उनके मॉम डैड काफी खुश होते हैं। बेबी कहता है कि मुझे ऑफिस के लोगों ने भी गुदगुदाकर हंसाने की कोशिश की थी मगर मैं उनसे नहीं हंसा। ये सुनकर टीम उसे कहता है कि तुम्हारे मॉम डैड ने कभी तुम्हें गुदगुदाकर हंसाया नहीं। फिर टीम को याद आता है कि बेबी के कोई मॉम डैड नहीं थे। बेबी टीम से कहता है कि मैं दिखने में बेबी हूँ पर मैं अपने बचपन से बड़ा हूँ। टीम उसे पूछता है कि कोई बिना बचपन के कैसे बड़ा हो सकता है, इसका मतलब तुमने अपना बचपन नहीं देखा और कभी किसी ने तुमसे प्यार नहीं किया। बेबी कहता है कि जो मैंने महसूस नहीं किया तो मैं उसे मिस क्यों करूं। और टीम के पास ही सो
जाता है। अगले दिन टीम के मॉम डैड उसे जगाते हैं और कहते हैं कि आज बच्चे को ऑफिस ले जाने का दिन है और तुम्हारी सजा आज खत्म होती है, तुम हमारे साथ ऑफिस चलोगे। टीम ये सुनकर उनसे पूछता है कि हमारे साथ बेबी भी चलेगा। उसके मॉम डैड कहते हैं कि हम उसके बिना नहीं जा सकते। यह सुनकर टीम काफी खुश होता है। बेबी और टीम दोनों एक दूसरे को तैयार करते हैं और मॉम डैड के साथ पबिको में जाते हैं। वहीं पबिको में टीम के मॉम डैड उसे कहते हैं कि हमें थोड़ा सा काम है, क्या तुम हमारे साथ चल के थोड़ा टाइम बिताना चाहोगे? हम बेबी को पबी जोन में छोड़ देंगे और बस तुम्हारे साथ टाइम बिताएंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम बेबी की वजह से तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहे हैं। टीम उन्हें मना कर देता है और कहता है कि मैं बेबी के साथ ही रहूंगा और टीम को लेकर पबी जोन में जाते हैं। बेबी टीम से कहता है कि अच्छा रहा कि तुम अपने मिशन से नहीं भटके, अब हम नए पबी के बारे में पता लगाएंगे, फिर मैं अपने घर चला जाऊंगा। टीम बेबी को एक रूम बताता है और कहता है कि इसके अंदर नए पबिको की फाइल होगी और उस कमरे में जाने के लिए बॉस बेबी को पबी की ड्रेस पहना देता है और उसे पबी डोर से अंदर जाने को कहता है और एक डॉग की तरह चलना सिखाता है। तभी बॉस बेबी के पीछे कुछ डॉग पड़ जाते हैं, मगर टीम उनकी तरफ बॉल फेंककर चकमा दे देता है। बॉस बेबी जैसे कमरे के अंदर से जाने लगता है, गार्ड उसे पकड़ लेता है। बॉस बेबी एक पपी की तरह उसे चाटने लगता है, जिसकी वजह से गार्ड उसे छोड़ देता है। बेबी टीम के साथ रूम के अंदर चला जाता है और फाइल ढूंढने लगता है। तभी उन्हें एक बॉक्स पर फाइल रखी दिखती है, जिससे वो पपी को फाइल समझते हैं और उसे उठाकर उसके बदले सेम उसकी जैसी दूसरी फाइल रख देते हैं। मगर तभी फाइल नीचे जाने लगती है और वो एक जाल में फंस जाते हैं। जब तक उन्हें समझ आता वो एक पिंजरे में कैद हो गए थे, फाइल के अंदर कुछ नहीं होता और उन्हें एक कुर्सी पर बांध दिया जाता है। और उन्हें पकड़ने वाले फ्रांसिस होते हैं, जो उन्हें बेबी कॉप कंपनी की चूसनी दिखाते हैं, जिसे देखकर बेबी उनसे पूछता है कि तुम्हें कहां से मिली। फ्रांसिस अपनी एक तस्वीर दिखाते हैं, जिसे देखने के बाद टीम और बेबी को पता चलता है कि सुपर कोलोसल बिग फेट बॉस बेबी फ्रांसिस ही है, जो अब बड़े हो चुके हैं। फ्रांसिस बेबी से कहता है कि जो मेरे बारे में ज्यादा सवाल पूछते हैं तो मैं उन्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ। और वो उन्हें अपनी बेबी कॉर्प की कहानी सुनाते हैं, जिसमें कि उनके काम से खुश होकर उन्हें प्रमोशन मिला और साथ में कोने वाला ऑफिस भी, मगर मुझे दूध से एलर्जी थी, जिसकी वजह से फॉर्मूला का असर नहीं होता था और मैं बूढ़ा हो रहा था। फिर मुझे बोर्ड और डायरेक्टर के सामने पेश होने को कहा गया, जो कि हमारे सबसे बड़े बॉस बेबी थे, जो मेरे बदले किसी और को ले आए और सभी उसे पसंद करने लगे और उसके बाद मुझे नौकरी से निकाल दिया और मेरा स्पेशल फॉर्मूला मुझसे ले लिया। फिर मुझे एक फैमिली के पास भेज दिया और उनके धोखे का बदला मेरा फॉरएवर पपी लेगा, क्योंकि ये एक ऐसा पपी है जो कि कभी बूढ़ा नहीं होगा और इतने खूबसूरत होंगे कि कभी भी किसी को बेबी की जरूरत नहीं होगी। और टीम के बैग में से बेबी का फॉर्मूला ले लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारे मॉम डैड को लास वेगास लेकर जा रहा हूँ, अगर तुमने इन सब के बारे में उनसे कुछ कहा तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। टीम कहता है कि वो हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो फ्रांसिस अपने भाई को एक लेडी चाइल्ड केयर एक्सपर्ट बना देता है, इस वजह से उनके मॉम डैड उसे छोड़कर चले जाते हैं। वहीं टीम बेबी से कहता है कि हमें एयरपोर्ट पहुंचकर प्लेन के उड़ने से पहले फ्रांसिस को रोकना होगा। बेबी कहता है कि हम उसके भाई को चकमा कैसे देंगे। तभी बॉस बेबी एक बेबी की तरह खेलने लगता है। टीम उसे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। थोड़ी देर में बेबी फिर से ठीक हो जाता है और टीम से कहता है कि अगर मुझे मेरा फॉर्मूला नहीं मिला तो मैं नॉर्मल बेबी बन जाऊंगा। तभी टीम को एक आइडिया आता है और वो बॉस बेबी के मुंह को हरा करके केयर टेकर से कहता है कि बेबी बीमार हो गया है और वैक्यूम क्लीनर की मदद से केयर टेकर के ऊपर नकली उल्टियां करते हैं और उसे टॉयलेट में बंद करके वहां से भाग जाते हैं। टीम अपनी साइकिल लेकर वहां से भागने लगता है, मगर केयर टेकर भी उनका पीछा करने लगता है। बेबी अपनी टीम को कॉल करके मदद करने के लिए बुलाता है। बॉस की टीम भी वहां जाती है और केयर टेकर को रोकने की कोशिश करती है, मगर वो उनसे नहीं रुकता। बॉस बेबी टीम को तेज साइकिल चलाने को कहता है, तभी उसकी साइकिल के ट्रेनिंग व्हील टूट जाते हैं। बॉस बेबी उसे हिम्मत देता है, जिसकी वजह से टीम साइकिल को आसानी से चला पाता है, मगर उनके सामने अचानक एक ट्रेन आ जाती है। टीम अपनी साइकिल को नहीं रोकता और ट्रेन के ऊपर से साइकिल को कुदाकर सीधा एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है और सिक्योरिटी को चकमा देकर अपने मॉम डैड की तरफ भागते हैं। मगर फिर से बॉस बेबी एक नॉर्मल चाइल्ड बन जाता है। टीम उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। फ्रांसिस टीम को देख लेता है, जिसकी वजह से वो उसके मॉम डैड को जल्दी से धक्का देकर फ्लाइट में बिठा लेता है और फ्लाइट उड़ जाती है। यह देखकर टीम और बॉस बेबी
काफी उदास होते हैं। टीम और बॉस बेबी एक दूसरे का नाम लेकर झगड़ा करने लगते हैं। टीम बेबी से कहता कि तुम्हें फैमिली और कहानियों के बारे में कुछ पता नहीं है। बेबी कहता कि तुम भी नहीं जानते कि नौकरी छूट जाना क्या होता है। टीम कहता कि तुम्हारे आने से पहले मेरी लाइफ परफेक्ट थी और काश तुम पैदा ही नहीं होते। यह सुनकर बेबी काफी उदास होता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। टीम भी वहीं बैठकर रोने लगता है और लोरी कहता है। तभी टीम को बेबी एयरपोर्ट पर लगे फोन पर कॉल करता है। बेबी कॉल पर कहता है कि बेबी कॉफ के अलावा मैं कोई और घर नहीं जानता और तुमने सही कहा था कि एक फैमिली का हिस्सा होना क्या होता है ये मैं नहीं जानता, पर मेरे अंदर फीलिंग है और अगर तुम्हारे मॉम डैड को बचाना है तो फ्रांसिस को रोकना होगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं कर सकता। टीम भी उसकी कंपनी बचाने में मदद करने के लिए मान जाता है। तभी बेबी को कुछ एल्विस दिखते हैं और टीम को उनके पीछे जाने के लिए कहता है क्योंकि वो सब भी लॉस वेगास जा रहे थे। टीम और बेबी टॉयलेट में जाकर एक एल्विस के कपड़े ले लेते हैं और उन्हें पहनकर फ्लाइट में फर्स्ट क्लास में चले जाते हैं जहाँ कोई नहीं होता। फ्लाइट टेक ऑफ करती है तब टीम को थोड़ा डर लगता है और बेबी को बताता है कि जब भी फ्लाइट टेक ऑफ करती है मेरे मॉम डैड मेरा हाथ पकड़ते थे और आंखें बंद कर लेता है। तभी बेबी उसका हाथ पकड़ लेता है। वहीं थोड़ी देर बाद टीम के पास एयर होस्टेज आती है और वो पूछती है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। टीम कहता है कि हम कैप्टन रोज के बच्चे हैं, उन्होंने हमसे यहाँ बैठने को कहा। एयर होस्टेज बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए लाती है। टीम बेबी की टोपी उसके सर पर बांध कर उसे एक समुद्री लुटेरा बनाता है। बेबी भी टीम की तरह ख्वाबों में खो जाता है और दोनों लॉस वेगास पहुँच जाते हैं। उसी फ्लाइट में केयर टेकर भी टीम और बेबी के पीछे आ जाता है। बेबी और टीम को कन्वेंशन सेंटर जाना था मगर उनके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए टीम बेबी के बीमार होने की एक्टिंग करता है और कुछ लड़कियों से कन्वेंशन सेंटर छोड़ने की मदद मांगता है। लड़कियां बेबी को देखकर उसे बीमार समझती है और उसे कन्वेंशन सेंटर तक छोड़ देती है। कन्वेंशन सेंटर के अंदर फ्रांसिस का भाई टीम को देख लेता है और उसे पकड़ने के लिए उनके पीछे भागता है। टीम अपने मॉम डैड के पास जाने लगता है जहाँ फ्रांसिस अपने नए पपी को लॉन्च करते हैं और टीम को देख लेते हैं जिसकी वजह से वो उसके मॉम डैड को एक बॉक्स में बंद कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। टीम भी अपने मॉम डैड को बचाने के लिए बेबी के साथ उसके पीछे जाता है और वो दोनों देखते हैं कि वहाँ बहुत सारा सीक्रेट फॉर्मूला होता है और लॉन्च करने के लिए कई सारे पपीज हैं, मगर केयर टेकर उन्हें फिर से पकड़ने की कोशिश करता है जिसकी वजह से वो उसे धक्का देकर नीचे गिरा देते हैं। फ्रांसिस ने टीम के मॉम डैड को रॉकेट के नीचे रख दिया। टीम उन्हें बचाने के लिए जाता है मगर फ्रांसिस लॉन्च को शुरू कर देता है और लॉन्च रोकने की चाबी को नीचे फेंक देता है और टीम से कहता है कि तुम अपने मॉम डैड का प्यार वापस पा सकते थे मगर तुमने मौका गवा दिया और इस बेबी को अपना बॉस बनने दिया। टीम उसे कहता है कि मैं और बेबी पार्टनर्स हैं और उसके गुदगुदाने लगते हैं और उसे बचकर भाग जाता है। फ्रांसिस अपनी छड़ी से टीम को मारता है जो कि उसके पैर से टकराती है और वो बेबी के साथ एक जाली पर लटक जाता है। फ्रांसिस उन्हें नीचे गिराने के लिए आता है और उनसे कहता है कि बेबी कॉर्प तो खत्म हो गया। तभी बेबी अपने जेब से एक स्टिक निकालता है और टीम उसे ऊपर फेंकता है और खुद भी उसके साथ जाली के ऊपर चढ़ जाता है और दोनों मिलकर फ्रांसिस से लड़ते हैं और उसे जाली से नीचे फेंक देते हैं जिसकी वजह से वो सीक्रेट फॉर्मूला भी गिर जाता है। बेबी और टीम अपने मॉम डैड को बचाने के लिए दो डॉगी के साथ नीचे कूद जाता है क्योंकि डॉगी के पैराशूट लगे हुए थे जिसकी वजह से वो आराम से नीचे उतर गए थे और अपने मॉम डैड के पास जाते हैं और उन्हें बॉक्स से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं मगर ताला लगने की वजह से वो बॉक्स को नहीं खोल पाते, इसीलिए टीम बेबी से कहता है कि हमें बॉक्स को हटाना होगा। टीम बेबी को पपी बॉक्स की तरफ धकेलता है जिसके अंदर सभी पपीज थे। बेबी पपीज बॉक्स का गेट खोल देता है। बॉक्स में बहुत सारे पपीज थे जो कि एकदम से टीम के मॉम डैड वाले बॉक्स से टकराते हैं जिससे कि बॉक्स रॉकेट के नीचे से हट जाता है। बेबी फिर से नॉर्मल बेबी बन जाता है और बॉक्स से ऊपर ही रह जाता है। टीम उसे नीचे आने के लिए कहता है मगर उसे देखकर रोने लगता है और रॉकेट लॉन्च होने में बस 15 मिनट ही रह जाते हैं। तभी टीम उसे उसके फेवरेट लोरी गाकर सुनाता है जिसकी वजह से बॉस बेबी उसके पास आ जाता है और दोनों भागकर छुप जाते हैं और रॉकेट लॉन्च हो जाता है। टीम बॉस बेबी को फॉर्मूले की एक बूंद पिलाता है जिस वजह से वो फिर से बॉस बेबी बन जाता है और दोनों इस बात से काफी खुश होते हैं कि उन्होंने फ्रांसिस को हरा दिया। तभी फ्रांसिस सीक्रेट फॉर्मूला के टैंक से निकलता है जो कि एक मोटा सा बच्चा बन जाता है। बॉस बेबी और दोनों एक दूसरे से लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं मगर केयर टेकर आकर फ्रांसिस को उठा लेता है और उसके मुंह में चूसनी देकर उसे सुला देता है और कहता है कि इस बार इसकी परवरिश अच्छे से करेंगे। और
और वहाँ से चला जाता है। वहीं बॉस बेबी और टीम मिलकर बॉस का ताला तोड़ते हैं, जिसके अंदर टीम के मॉम डैड थे, और वो दोनों बॉक्स से बाहर निकल जाते हैं और टीम से कहते हैं कि हम तुम दोनों से बहुत प्यार करते हैं और अपने घर आ जाते हैं। वहीं बॉस बेबी जाने के लिए अपने ब्रीफकेस में अपने सामान रखता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी उसकी टीम के बेबी उससे मिलने आते हैं। बॉस बेबी जाते समय सबकी खुशी का ख्याल रखता है और उसकी टीम भी उसे बहुत पसंद करती है। बिग बेबी रोने लगता है और बिग बॉस को गले लगाता है और सभी वहाँ से चले जाते हैं। टीम बेबी से कहता है कि तुम्हारा प्रमोशन हो गया है और अब तुम्हें सब मिलेगा जो तुम चाहते थे। बेबी कहता है कि तुम्हें भी अब मॉम डैड का पूरा प्यार मिलेगा, और वो बताता है कि मेरे जाने के बाद सब फिर से ऐसा हो जाएगा जैसे कि मैं पैदा ही नहीं हुआ। और वो टीम को उसका लेम ठीक करके देता है जो कि उसने तोड़ दिया था, जिसे देखकर टीम काफी खुश होता है। बॉस बेबी फिर से टैक्सी में बैठकर चला जाता है। वहीं बेबी कॉर्प के लोग आकर बेबी की सारी यादें टीम के मॉम डैड और उसके घर से मिटा देते हैं और टीम से उसकी यादें मिटाने को कहते हैं, मगर वो ऐसा करने के लिए मना कर देता है। वहीं बेबी कॉर्प में बॉस बेबी से सभी काफी खुश होते हैं और मिल्क पार्टी करते हैं और उससे उसका प्रमोशन होता है, जिसमें उसे कॉर्नर वाले ऑफिस के साथ प्राइवेट प्रॉपर्टी भी मिलती है। वहीं टीम के मॉम डैड उसे फिर से लोरी सुनाते हैं, मगर अब उसका मन बेबी के बिना नहीं लगता। तभी टीम को कुछ याद आता है और वो एक लेटर लिखता है। वहीं बॉस बेबी अपने ऑफिस में होता है और वो भी टीम के साथ बिताई बातों को दोहराता है। तभी उसके पास बहुत सारे मेमो आते हैं। बॉस बेबी उनमें से एक मेमो पढ़ता है जो कि टीम ने उसके लिए लिखा था। टीम उसमें लिखता है कि अगर हम प्यार बांट नहीं सकते तो मेरे हिस्से का प्यार भी तुम ले लेना। ये पढ़कर बॉस बेबी भी काफी खुश होता है और अपनी जॉब से रिजाइन करके खुशी से नाचता हुआ एक नॉर्मल बच्चा बनकर टीम के पास वापस जाता है। अगले दिन सुबह टीम जब उठता है और विंडो में बॉस बेबी के आने का इंतजार करता है, तभी वहाँ एक टैक्सी आती है, जिसे देखकर टीम अपने कमरे से बाहर जाता है। उसके मॉम डैड उसे कहते हैं कि तुम्हारा भाई है। टीम बेबी को उठाकर उसे खिलाने लगता है और ये कहानी टीम अपनी बड़ी बेटी को सुना रहा था। इस मूवी की शुरुआत में हमें टीम को दिखाया जाता है जो कि अब बड़ा हो चुका है, लेकिन उसके अंदर से अभी भी बचपना नहीं गया। वो बचपन की तरह ही इमेजिनरी वर्ल्ड में जीता है। टीम की शादी केरल से हो चुकी है। केरल एक बहुत ही सपोर्टिव लेडी है। इनकी दो बेटियां भी है, जिनमें से छोटी बेटी का नाम टीना और बड़ी बेटी का नाम तेबिता है। टीम का भाई टेड यानी कि बॉस बेबी अब बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है, इसीलिए अब वो बहुत बिजी रहता है। यानी कि अब टीम की लाइफ बिल्कुल परफेक्ट है। एक रात टीम अपनी बेटी तेबिता को स्टोरी सुनाने जाता है, लेकिन तेबिता को टीम और बेबी बॉस की बचपन की स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि उसे लगता है कि बॉस बेबी जैसा कुछ नहीं होता, ये सब झूठी कहानियां है। तेबिता बताती है कि वो बड़ी होकर टेड की तरह एक कामयाब इंसान बनना चाहती है, ना कि अपने फादर की तरह। टीम यह सुनकर बहुत उदास हो जाता है और एटिक में चला जाता है, जहां वो अपनी और बॉस बेबी की पुरानी चीजें देखने लग जाता है, क्योंकि उसे बॉस बेबी की बहुत याद आ रही होती है। लेकिन बिजी होने की वजह से बेबी बॉस अब उससे नहीं मिलता। टीम वापस नीचे आता है और अपने रूम की तरफ जा रहा होता है कि तभी उसे टीना के रूम से कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो रूम में जाता है, तभी टीना बेबी बॉस के सूट में उसके सामने आ जाती है, जिससे डरकर टीम बेहोश हो जाता है। फिर टीना अपने डेड टीम को होश में लाती है और बताती है कि वो भी बेबी बॉस है और बेबी कॉर्पोरेशन से आई है, क्योंकि वर्ल्ड में वापस से बेबीज को खतरा है, इसीलिए इस बार उसे इस मिशन के लिए चुना गया है। अब जैसा कि वो जानती थी कि टीम और बेबी बॉस पहले भी यह सब कर चुके हैं, तो वह टीम से हेल्प मांगती है और टेड को भी यहाँ बुलाने का कहती है, पर टीम बेबी बॉस को डिस्टर्ब करने से साफ इनकार कर देता है। फिर भी टीना टेड को फोन लगा देती है, लेकिन टीम कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। टीना ने अपने टेडी बियर की मदद से सब बातें रिकॉर्ड कर ली होती है। अगली सुबह होते ही टेड वहाँ पहुँच जाता है, क्योंकि टीना ने टीम की आवाज रिकॉर्ड करके टेड को एक वॉइस मेल भेज दिया होता है कि तेबिता की तबीयत खराब है। टीम समझ जाता है कि यह टीना का ही काम है। वो टेड और टीना को लेकर किचन में जाता है और टेड को समझाने की ट्राई करता है, लेकिन टेड टीम की फैमिली में वापस आने के लिए एक नॉर्मल बेबी टेड बन चुका था। उसे बेबी कॉर्पोरेशन के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। वो टीम को समझाने लगता है कि टीना बोल सकती है और ये बेबी कॉर्पोरेशन से आई है, लेकिन टेड को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। टेड को लगता है कि टीम पागल हो गया है और वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। टीना खुद को रिवील करते मैजिकल पेसिफायर देकर उन दोनों को बेबी कॉर्पोरेशन में सब समझाने ले जाती है। वहां पहुंचते ही टेड को सब याद आ जाता है।
बेबी कॉर्पोरेशन में टेट का बहुत ही बड़ा स्टेचू भी बना हुआ था। टीना उन दोनों को स्पेशल रूम में लेकर जाती है और उन्हें बताती है कि तेबिता के स्कूल का टीचर और मिस्टोंग एक ऐसी फिलोसफी लेकर आया है जिससे बच्चों का बचपन में ही ब्रेन तेज हो जाएगा, जिससे वो बचपन में ही वो सब बन सकते हैं जो वो बड़े होकर बनना चाहते हैं, लेकिन वो इससे अपने पेरेंट्स से दूर हो जाएंगे, यानी कि फिर उन्हें अपने पेरेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह देख टीम को अंदाजा हो जाता है कि तेबिता उससे दूर क्यों हो रही है। अब इनका मिशन डॉक्टर आर्मस्ट्रांग को रोकना होता है। टीना इन्हें बताती है कि बेबी कॉर्पोरेशन ने एक ऐसा फॉर्मूला बनाया है जिससे टीम और टेड वापस एक दिन के लिए बेबी बन सकते हैं और स्कूल जाकर डॉक्टर आर्मस्ट्रांग पर नजर रख सकते हैं। टेड और टीम वो फॉर्मूला पी के वापस छोटे हो जाते हैं, पर तभी केरल और तेबिता क्रिसमस टी लिए वापस घर पहुंच जाते हैं। यह तीनों उनकी नजरों से बचकर ऊपर चले जाते हैं, जहां टीम केरल से कह देता है कि वो टेड के साथ एक ट्रिप पर जा रहा है। टीना टेड के फोन से उसके पायलट को कॉल करके हेलीकॉप्टर को वापस ले जाने को कह देती है, जिससे केरल और तेबिता को लगता है कि टीम और टेड चले गए हैं, लेकिन वो टीना के रूम में छिप जाते हैं। टीना टीम और टेड को वापस से एक टीम बनने को कहती है। टीना उन्हें कुछ गैजेट देती है और बताती है कि कल सुबह 8 बजे तुम्हें स्कूल बस लेने आ जाएगी। फिर टीम और टेड दोनों एटिक में जाकर सो जाते हैं, लेकिन सुबह टीम और टेड बहुत लेट हो जाते हैं और वो जल्दी जल्दी करके तैयार हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी बस मिस हो जाती है। इस मसले को सोल्व करने के लिए टेड पोनी को बुलाता है और वह दोनों पोनी पर बैठकर स्कूल की तरफ निकलते हैं बहुत ही एडवेंचर वे में। वह दोनों रास्ते में आती हर चीज तबाह करते आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी पुलिस उनके पीछे पड़ जाती है। वह दोनों तेजी से आगे बढ़ते हुए पुलिस से भी जान बचा लेते हैं और स्कूल पहुंच जाते हैं, जहां टेड दो बच्चों को पैसों का लालच देके उन बच्चों की स्कूल ड्रेस पहन लेते हैं। लेकिन वहां टीम और टेड दोनों को अलग अलग क्लासरूम में जाना होता है, इसीलिए टीम टेड को 11:30 बजे मिलने का वादा करके बच्चों के साथ फंसा देता है और खुद तेबिता के पीछे चला जाता है। वो छोटे बच्चे टेड का बुरा हाल कर देते हैं। तेबिता के क्लास में पहुंचने पर बच्चे टीम के न्यू होने पर उसे परेशान करने लग जाते हैं, पर तेबिता उसे अपनी सीट देती है, जिस पर टीम तेबिता की वजह से बहुत प्राउड फील करता है। और मिस्टोंग का स्कूल बिल्कुल भी नॉर्मल स्कूल की तरह नहीं होता, वो बहुत ही एडवांस होता है। डॉक्टर और मिस्टोंग वीडियो की मदद से स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, जहां टीम को कुछ नहीं आ रहा होता। वहीं टेड उन बेबीज के बीच परेशान हो जाता है, लेकिन फिर वो रूम से बाहर निकलने के लिए उन सभी बेबीज को अपने साथ कर लेता है और रूम से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। तभी टेड को एक विंडो नजर आती है। टेड सब बच्चों के साथ वहां से निकलने की तैयारी में लग जाता है। दूसरी तरफ तेबिता क्लास में हर सवाल का सही जवाब देते हुए टीम को हैरान कर रही होती है। टेड अपनी न्यू टीम के साथ मिलकर पहले सब कैमरा को बंद करता है, फिर वहां जितनी भी चीजें होती है उन्हें बाकी बच्चों की मदद से यूज करता हुआ विंडो से बाहर जाने ही लगता है। पर इतने में ही एक बेबी का पैर ग्लू से चिपक जाता है, जिससे टेड नीचे गिर जाता है, लेकिन तभी उसे ग्लू से एक आइडिया आता है। वहीं दूसरी तरफ टीम टाइम देखकर रूम से बाहर जाने के लिए वॉशरूम जाने का बहाना बनाता है, लेकिन और मिस्टोंग ने तो वॉशरूम तक रूम में ही बनाया होता है। तभी टीम को एक आइडिया आता है और टीम प्रिंसिपल ऑफिस जाने के लिए क्लास में बदतमीजी करना शुरू कर देता है। उसे लगता है कि और मिस्टोंग खुद उसे पनिश करने के लिए प्रिंसिपल रूम भेज देंगे, लेकिन और मिस्टोंग उसे कहीं और ही भेज देता है। टेड ग्लू यूज करके प्रिंसिपल ऑफिस तक चला जाता है, लेकिन और मिस्टोंग वहीं होता है क्योंकि उसने कैमरे में सब देख लिया होता है, इसलिए वहां बेटा टेड का इंतजार कर रहा होता है। टेड की इंटेलिजेंस से इम्प्रेस होकर और मिस्टोंग उसे अपना असली रूम दिखाता है, जिससे हमें पता चलता है कि और मिस्टोंग असल में एक बेबी है। टेड रिकॉर्डिंग डिवाइस को कैंडी बाउल में छिपा देता है, लेकिन और मिस्टोंग उसे कैंडी समझकर खा लेता है। और मिस्टोंग टेड को बताता है कि स्कूल के बाद एक मीटिंग है जिसमें वह सब बेबीज को एक प्लान बताएंगे ताकि वो सब मिलकर बड़ों को एक लेसन सिखा सके। तभी हमें टीना को दिखाया जाता है, जिसके पास टेड के डिवाइस के तबाह होने से पहले तक की सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। फिर टीना टीम का डिवाइस चेक करती है और वो देखती है कि टीम कुछ भी नहीं कर रहा है। वहीं टीम फ्री होकर बाहर आता है। टेड उसे देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि जब उसे टीम की जरूरत थी तो उसके पास नहीं था। इस पर दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और टेड टीम को गुस्से में वहां से जाने का कह देता है। टीम तेबिता की क्लास के बाहर से गुजरने पर देखता है कि नितिन क्लास में तेबिता से पीछे रहने का बदला उसे सिंगिंग में ले रहा होता है, क्योंकि तेबिता को सही से सिंगिंग नहीं आती थी। टीम तेबिता की हेल्प करने के लिए केरल को मैनिपुलेट करते हुए
उनके साथ घर चला जाता है। जबकि टेड यहाँ मीटिंग के लिए रुक जाता है, अचानक टेड पर निंजा बेबीज अटैक कर देते हैं, जो कि बहुत सारे होते हैं। टेड उनसे बचकर भाग रहा होता है कि तभी ओर्मस्ट्रांग आकर उसे बचाता है। ओर्मस्ट्रांग टेड को दिखाता है कि कैसे उसने बच्चों को ट्रेन करके उनकी मदद से पैसा बना रहा है। उसने बहुत सी एप्स भी बनाई हुई है जो बहुत पॉपुलर है, लेकिन वो कहता है कि अब मैं एक ऐसी ऐप लॉन्च करने वाला हूँ जो सबसे अच्छी होगी। ओर्मस्ट्रांग कहता है कि उसे पैसे से ज्यादा पावर चाहिए जो कि उसे इस ऐप से मिल जाएगी। घर पहुंचकर टीना टीम पर गुस्सा होती है कि वह मिशन छोड़कर क्यों आ गया, जिस पर टीम कहता है कि टेड ने खुद उसे टीम से निकाल दिया है। टीम तेबिता के पास चला जाता है और उसे पूछता है कि जब वह म्यूजिक में अच्छी नहीं है तो क्यों पार्टिसिपेट कर रही है। तेबिता उसे बताती है कि वह यह सब अपने फादर को प्राउड फील कराने के लिए कर रही है क्योंकि वह इन सब में बहुत अच्छे है। टीम यह सुनकर हैरान रह जाता है क्योंकि उसे लगता था कि तेबिता उसकी वजह से इम्प्रेस फील करती है। इससे पहले कि वो लोग और कोई बात कर पाते, टीम के पेरेंट्स वहां पहुंच जाते हैं, पर टीम की ग्लासेस की वजह से वह उसे पहचान नहीं पाते। और मिस्टोंग सब बेबीज को बताता है कि उसके पेरेंट्स चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने उस पर एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए। उनके इस एक्सपेरिमेंट की वजह से और मिस्टोंग को अंदाजा हुआ कि वह अपने पेरेंट्स से ज्यादा स्मार्ट है और उसे उनकी जरूरत नहीं है, जिस पर वह घर से भाग निकला। वह बताता है कि बर्थडे पर सब बदल जाएंगे और सब बेबीज की अपने पेरेंट्स से जान छूट जाएगी और बेबीज बस वह करेंगे जो वह करना चाहते हैं, किसी भी रूल के बगैर। वहीं टीम को पता चलता है कि सिर्फ तेबिता नहीं बल्कि उसकी पूरी फैमिली उसे बच्चा और बेवकूफ समझती है क्योंकि अब भी वह इमेजिनरी वर्ल्ड में रहता है। अब टेड भी वहां पहुंच जाता है। टीम के पेरेंट्स तेबिता को बताते हैं कि टेड टीम से कितना प्यार करता है और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड है जो एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। टेड और टीम यह बातें सुनकर इमोशनल हो जाते हैं। डिनर के बाद टीम तेबिता को सिंगिंग में हेल्प भी करता है और दोनों बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, जिसके बाद टीम घर जाने का कहकर बाहर निकलता है तो तेबिता को उसके रूम की विंडो पर बैठे सिंग करते देख बहुत खुश हो जाता है। टेड अब भी अपने एटीट्यूड की वजह से टीम की हेल्प लेने से मना कर देता है, जिस पर टीना उसे उसकी फाइल देती है। टेड उसमें टीम का भेजा हुआ लेटर पढ़कर इमोशनल हो जाता है, पर अभी भी बड़ों की तरह एक्ट करते हुए कहता है कि वह प्रैक्टिकल होकर सोचता है, जिस पर टीना उसे समझाती है कि इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें एक दूसरे से दूर हो जाना चाहिए। उतनी देर में टीम भी वहां पहुंच जाता है और उन्हें बताता है कि उसने यह सब तेबिता के लिए किया था, उसे टीम की जरूरत थी। टेड उन्हें आर्मस्ट्रांग का प्लान बताता है और कहता है कि उसे वापस बेबी कॉर्पोरेशन जाने की जरूरत है। यह सुनकर टीना उन्हें कहती है बेबी कॉर्पोरेशन हेल्प नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि इनके लिए अभी भी अच्छा एवेंडेंस नहीं है, इसीलिए उन्हें खुद ही आर्मस्ट्रांग को रोकना होगा। रात में तीनों इस पर एक अच्छी टीम की तरह काम करते हुए आर्मस्ट्रांग को हराने की प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं, जिसमें टेड स्कूल में उसके साथ बच्चों की हेल्प लेने का डिसाइड करता है। वहीं टीम को बैक स्टेज पर नजर रखनी है। टेड खुद आर्मस्ट्रांग के साथ जाके उसके सूट में एक डिवाइस लगा देगा जिससे टीना ऑडियंस में बैठकर भी उसे कंट्रोल कर पाएगी। शो शुरू हो जाता है और सब प्लेन के हिसाब से अपनी पोजीशन ले लेते हैं, पर टेड को पता चलता है कि आर्मस्ट्रांग का तो प्लान ही कुछ और है। वह ऐप तो ओटी ऐप है जिसकी मदद से पेरेंट्स ज़ॉम्बीज़ में बदल जाएंगे। आर्मस्ट्रांग ने पहले ही उस ऐप को पेरेंट्स के फोन में डलवा दिया होता है। पेरेंट्स जब अपने बच्चों की पिक्चर लेने के लिए ऐप यूज करते हैं तो वो एक एक करके ज़ॉम्बीज़ में बदलना शुरू हो जाते हैं। टेड फौरन इस बारे में टीना को बताता है और शो रोकने को कहता है ताकि पेरेंट्स ऐप यूज ही ना करें। तो टीना उसे कहती है कि शो बैक स्टेज में एक स्विच से रुक सकता है। टीना टीम को यह करने को कहती है, पर टीम अपना एयरफोन उतार कर तेबिता के साथ सिंग करने चला जाता है। टेड भागते हुए बैक स्टेज तो जाता है पर उसे बेबीज पकड़कर अपने शो के लिए ले जाते हैं। टेड किसी तरह बटन तक पहुंचकर उसे बंद करने लगता है, पर टीम तेबिता की परफॉर्मेंस की वजह से उसे ऐसा करने नहीं देता। टेड उसे धक्का देकर स्विच ऑफ कर देता है, पर वह आर्मस्ट्रांग का ट्रैप था जो स्विच ऑफ होते ही अपने निंजा बेबीज के साथ वहां पहुंच जाता है और उन दोनों को पकड़ लेता है। तेबिता एक बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस करते हुए सबको हैरान कर देती है। वहीं टीम टेड को बताता है कि वह हमेशा टेड की तरह सक्सेसफुल होना चाहता था। टेड अपने दिल का हाल बताते हुए कहता है कि वह सक्सेसफुल होकर भी अकेला है और टीम से बहुत जलता था कि उसके पास इतना प्यार करने वाली फैमिली है।
आखिर में दोनों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। लेकिन उस रूम में धीरे धीरे पानी बढ़ रहा होता है। वहीं तेविदा बहुत ही अच्छा सॉन्ग गा रही होती है, लेकिन इतनी अच्छी परफॉर्मेंस होने के बाद भी कोई ताली नहीं बजाता क्योंकि वो सब तो ज़ॉम्बीज बन चुके थे। पर तेविदा बहुत रोते हुए वहाँ से चली जाती है और मिस्टोंग अब सभी को अपने हिसाब से कंट्रोल करने लग जाता है। टीना अपने टीम और टेड से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। इसलिए वो तेविदा के पास जाती है और उसे सब बता देती है कि वो बेबी कॉरपोरेशन से आई है। यहाँ तेविदा को पता चल जाता है कि उसके फादर ने उसे कोई झूठ नहीं बोला था, वह सब स्टोरी सच थी। टीना तेविदा को और मिस्टोंग की सच्चाई बता देती है और कहती है कि अब सभी लोग उसके कंट्रोल में हैं। फिर तेविदा और टीना इन सबको कंट्रोल करने वाला सर्वर ढूंढ लेती है और उसकी तरफ बढ़ती है। यहाँ टीम और टेड पानी में बुरी तरह से फंस चुके होते हैं और उन्हें बाहर का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता। तब टेड को एक आइडिया आता है और वो पोनी को बुलाता है। पोनी वहाँ पहुंचकर उन्हें बाहर निकाल लेती है। टीना से कॉन्टेक्ट करके वो दोनों उसके पास जाने के लिए निकलते हैं, पर यहाँ भी निंजा बेबीज उन्हें रोकने पहुँच जाते हैं। इस बार उन दोनों को बचाने के लिए टेड के क्लास के बेबीज वहाँ पहुँच जाते हैं। वो सब निंजा टीम से लड़ने लग जाते हैं, जिसका फायदा उठा के टेड और टीम सर्वर रूम तक पहुँच जाते हैं और मिस्टोंग उन्हें बटन तक जाने से रोकने के लिए लग जाता है। इस बार उन दोनों की हेल्प के लिए तेविता और टीना और मिस्टोंग के स्पेशल सूट में आ जाती है। तेविता टीम को देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि उसने टीम के आगे कई सीक्रेट रख दिए थे। और मिस्टोंग अब इनसे फाइट के लिए ज़ॉम्बीज पेरेंट्स को बुला लेता है। टीम और टेड टीना और तेविता को बटन बंद करने भेज देते हैं और वो दोनों और मिस्टोंग को रोकने की ट्राई तो करते हैं, पर वो उन्हें वहीं फंसाकर टीना और तेविता के पीछे निकल जाता है। टीना और मिस्टोंग से फाइट में लग जाती है और तेविता पेरेंट्स को वापस नॉर्मल करने का तरीका ढूंढने में, पर अब उन्हें टेड और टीम की हेल्प की जरूरत होती है। तभी सॉल्यूशन का टाइम खत्म होने लगता है, जिस पर टेड थोड़ा बड़ा होकर पेरेंट्स को रोकने लग जाता है। टीम फायर अलार्म का बटन तो प्रेस कर देता है पर कुछ नहीं होता। ये देख तेविता को अपने फादर की वोल्केनो माउंटेन का ख्याल आता है और वो दोनों कोक और मेंटोस को मिलाकर और मिस्टोंग के साथ साथ उसका सारा रूम तबाह कर देते हैं। लेकिन और मिस्टोंग अभी भी उनकी जान छोड़ने को तैयार नहीं होता और टीना को पकड़ लेता है। टीना और मिस्टोंग का सूट खुद पहनते हुए उसे हरा देती है और टीम एक परफेक्ट एंट्री देते हुए वापस अपनी साइज में आके तेविता को गिरने से बचा लेता है। और मिस्टोंग सारी फैमिली को अपने बच्चों के साथ खुश देखकर समझ जाता है कि पेरेंट्स और फैमिली की लाइफ में बहुत जरूरत है। सब पेरेंट्स वापस अपने बच्चों से मिल जाते हैं। क्रिसमस पे सबके लिए सॉन्ग सिंग करती है। इस बार टेड भी अपने सारे काम छोड़ के अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने आ जाता है। सारी फैमिली साथ में बहुत अच्छा टाइम गुजारती है और वहीं ओम स्ट्रॉन्ग भी फैमिली की इम्पोर्टेंस को समझते हुए अपने पेरेंट्स के पास वापस चला जाता है और उसके पेरेंट्स उसे बहुत प्यार करते हैं। और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। और गाइस, अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स पर क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।